नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, ICICI बैंक बाय सेल और होल्ड इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए ICICI बैंक के चार्ट को एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमने ICICI बैंक का चार्ट लगा दिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपके लिए इसको बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। ये फायर्स का टर्मिनल है। ओके, तो देख सकते हो जब कोरोना वायरस आया था उसके पहले इसका हाई लगभग 550 रुपीज के आसपास था। उसके बाद उसने यहां से गिरना स्टार्ट कर दिया और पहला लो बना दिया, वो था 266। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं जो भी लेवल्स बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अभी जो हमारा टाइम फ्रेम है वन डे का है, पहले वन डे में एनालिसिस करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम में इसका मतलब है एक कैंडल का वैल्यू वन डे होता है, और उसके बाद हम कुछ आवरली या 15 मिनट चार्ट में भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो, ये लगभग ये जो लेवल्स है ये मे के है, 2019 मे से। ठीक है, हमेशा आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो हमेशा मैं रेफरेंस लेता हूँ उसके पिछले लेवल से, और आपको भी यही करना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोर देन 90% हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था वो लगभग कौन से रीजन में था, 386 या 400 के लेवल तक। मैं आपके लिए रेक्टेंगल लेके दिखाता हूँ। ओके, वेट कीजिए थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी देख सकते हो आप, ये जो इसका लेवल्स है ये पिछले साल लगभग इसने यहाँ पे 3 या 4 महीने स्पेंड किए थे पूरे इस टर्म में। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 3-4 महीने स्पेंड किया था, और वो लेवल थे वो था 370 से लेके 390 तक। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे जब पहली बार ऊपर आया यहाँ से ब्रेक करके, तो ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। मैंने आपको बताया हमेशा कि अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को चार्ट या शेयर्स ब्रेक कर देता है तो वो उसके लिए अपोजिट काम करता है। मतलब ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। देख सकते हो स्क्रीन पे, ये ऊपर गया, फिर से एक बार यहाँ पे आ गया और एक बाउंस बैक लिया, और उसके बाद देख सकते हो पूरा हाई तक चला गया 550 तक। ओके, तो ये था उसका पिछला डाटा। अब इसको समराइज करते हैं करंट के डाटा से। ओके, तो चलिए आज के चार्ट में हम चले जाते हैं, मतलब आज के डेट में। ओके, तो ये लेवल्स आपको याद रहे होंगे मेरे हिसाब से, और आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए, चीजें सीखनी है, तो ये सारी चीजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, नहीं तो हम रेक्टेंगल को ही कंटिन्यू करते हैं। वेट कीजिए। ओके, तो यहां से पूरा ड्रॉ कर लिया मैंने रेक्टेंगल। तो ये जो रीजन है ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन देख पा रहे हो ये अभी उसके लिए रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि अगर पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया तो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो पहले क्या हुआ था, पिछले साल रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, सपोर्ट बन गया। और देख सकते हो इस साल क्या हुआ, इसने उसके ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो अभी रेजिस्टेंस बन गया। देखो, पहली बार गया नीचे आ गया, सेकेंड टाइम गया नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया नीचे आ गया, फिर से नीचे, ऊपर नीचे, अभी ये जोन में एंटर कर चुका है। और आपको पता होगा अगर मेरे आप वीडियो कंटिन्यूस देखते हो, आप खुद का एनालिसिस करते हो, तो ये जो रीजन है इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन जोन या कंसोलिडेशन फेज। तो आपको पता होगा इस रीजन में अगर कोई भी स्टॉक चला जाता है तो उस रीजन से बाहर आने के बाद तय होता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ड्रॉ करके एनालिसिस करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आप ट्रेडर हो तो पता होगा, एनालिसिस करते हो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। नंबर ऑफ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस या उसके जो भी अपर शैडो लोअर शैडो है उसको लिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो यहां से इसने इस रेक्टेंगल में एंटर किया, सबसे पहले सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया नीचे, अभी तक नहीं आया, फिर से ऊपर नीचे ऊपर गया, और ये सेकेंड टाइम यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकेंड टाइम। मैं एनालिसिस को बहुत ही सिंपल रखता हूँ, ये सबके समझ के लिए है, और मैं भी कंफ्यूज खुद नहीं होता हूँ। तो देख सकते हो ये जो फर्स्ट टाइम आता है तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, और हमारे एनालिसिस के अनुसार
ये थर्ड टाइम भी अपने रेक्टेंगल अपने सपोर्ट के पास आना चाहिए, मतलब यहां से कुछ मूवमेंट होगा। और अभी देखो स्टॉक कंसोलिडेशन में जोन में जाएगा ना, तो दिन का 2% का इसका मूवमेंट फिक्स रहता है, 2 या 3% का। तो अभी ये मूवमेंट नहीं करेगा, अगर इसको ऊपर जाना है मतलब ये ब्रेक करके ऊपर चला जाना है बहुत ऊपर, तो इसको इस जोन के अंदर पड़ा रहना पड़ेगा बहुत दिन, नहीं तो कुछ 10-20 दिन तो इसके अंदर रहना पड़ेगा। अगर ये यहां से ब्रेक करता है ऊपर, तो आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जब ये फिर से इसके पास आ जाए, तो आपको यहां से अपना लॉन्ग टर्म साइड शेयर ट्रेड इनिशिएट करना है, और आपका स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग आपका इस रेक्टेंगल के नीचे 360 के आसपास। तो जो भी चीजें बता रहा हूँ, नंबर्स लेवल्स आप लिख के रख सकते हो। ये हो गई ऊपर जाने की बात। ये तय कैसे होगा? जब ये ब्रेक करेगा ऊपर या नीचे, तब तय होगा कि ऊपर जाना है नीचे। अगर इसको यहां से नीचे जाना है, तो देख सकते हो फर्स्ट टाइम आया है, सेकेंड टाइम आया है, और अगर ये थर्ड टाइम आता है विथ वॉल्यूम नीचे की तरफ ब्रेक करता है, फिर भी आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिसको लास्ट केस बोला जाता है, उसका वेट करना है। और उसके बाद अगर ये नीचे जा रहा है, तो ये लेवल देख रहे हो, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 375 के आसपास। ओके, मैं जो लेवल बोल रहा हूँ याद रखेंगे आप, मेरे को पक्का यकीन है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि ऊपर जाना है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, नीचे जाना है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये पैटर्न में, ऐसे पैटर्न में हमेशा ब्रेकआउट जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ओके, मतलब ऊपर की तरफ होता है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, 23,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से कुछ दिनों के अंदर ही ऐसे बैंक अपना 400 के लेवल के ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं लेवल दे रहा हूँ। आपका एनालिसिस जो भी कर रहे हो, आपका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस मैच होता है कि नहीं होता है, ये आप चेक कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, डेली टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम भी चेक कीजिए, 1 घंटे में चेक कीजिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। तो ठीक है, तो चले जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले इसको मैं पूरे जो भी ड्रॉइंग टूल है इसके हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इसको 15 मिनट में सेट कर देता हूँ। यहां से मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 50 मिनट। ठीक है, तो फिर से एक बार बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये आज के दिन का है, और मैंने शायद आज ये ICICI बैंक शॉर्ट सेलिंग के लिए भी दिया था, और जो स्टॉप लॉस था हमारे 392 के आसपास था, और टारगेट दिया था तो पहली बार अच्छे हुआ, सेकेंड टाइम गया तो सेकेंड टाइम भी सेलिंग का आपको पोजीशन मिल जाता। तो ICICI बैंक का जो हमने टारगेट दिया था टेलीग्राम पे, वो दोनों अचीव हो चुके हैं। अगर किसी को सुबह पहले टर्म में एंटर करने का मौका नहीं मिला, तो सेकेंड टर्म में अगर वो एंटर हो जाता यहाँ पे सेकेंड हाफ में, तो भी उसको मौका मिल जाता, और वो इजिली 2-3 रुपए का अपना प्रॉफिट गेन कर सकता था। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली बेसिस में हम वहां पे कॉल प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो वहां पे बाय और सेल के नंबर देता हूँ, उसके आगे जो डिफरेंस रहता है, मतलब बता दिया कि रिलायंस बाय करना है 2086 लेके 2090, तो जब तक वो लेवल आ नहीं जाते, तब तक ट्रेड मत कीजिएगा, अपने हिसाब से ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मैंने उसको टाइम देख के एनालिसिस किया रहता है। अगर उस लेवल के अंदर आपको मिल रहा है, तभी आप उसको ट्रेड कीजिएगा, और जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहिएगा। स्टॉप लॉस ले रहा है तो स्टॉप लॉस ले लीजिए, और टारगेट आने तक वेट कीजिएगा, पूरा टारगेट ले लीजिएगा। वहां पे डेली बेसिस पे 3-4-5 कॉल देता हूँ, कौन सा भी स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा दिया है, इसके ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गया नीचे आ गया, सेकेंड टाइम गया नीचे आ गया, तो देख पा रहे हो जो ऊपर जाने का जर्नी था, अगर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 1-1.5 घंटे का था, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो एक शार्प फॉल आ गया विद इन 2 कैंडल्स, ये पूरा मार्क जो क्रेडिट था ले गए सेलर्स। उसके बाद ऊपर जाने के लिए 2-3 घंटे से टाइम ज्यादा लगा लिया, फिर से नीचे आने के लिए 2 कैंडल काफी थे। इसका मतलब क्या था कि सेलर नहीं चाहते कि इस लेवल को अभी ये रिटेस्ट कर दे। इसका मतलब क्या होता है कि देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है अच्छा खासा, मैंने आपको बताया था 1 डे टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट को नीचे जाना है ऊपर जाना है, तो वेट कीजिए, अपने हिसाब से मत ट्रेड कीजिएगा, उसको अपने लेवल प्रूव करने दीजिए, प्राइस एक्शन होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ठीक है, देख सकते हो आखिरी में जब मार्केट बंद होने आया था, तभी ये 2 रेड कैंडल बना के गया है। मतलब अगर ये कल फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है, क्या कर रहा है। अगर फ्लैट खुलता है मतलब इसी रेंज के आसपास खुलता है तो वेट करना है, अगर बहुत ऊपर खुलता है फिर भी आपको वेट करना है, लेकिन अगर ये नीचे खुलता है तो आपको शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका 390 तक रहेगा। जो भी कुछ लेवल्स है मैं आपको कल अपने ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर से एक बार बता रहा हूँ।
सुबह सुबह वहां पे हम कॉल प्रोवाइड करते हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप जैसे सपोर्ट कर रहे ऐसे ही करते रहे, उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आज का वीडियो स्टॉप कर देते हैं, धन्यवाद दोस्तों।